तिहाड़ जेल में निर्भया बलात्कार कांड के चार मुजरिमों को एक साथ फांसी देकर दादा का रिकॉर्ड तोड़ेगा पोता जी हाँ आमतौर पर पूर्वजों की विरासत में किसी को जमीन जायदाद और रुपए मिलते हैं तो किसी बच्चे संस्कार लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने वाले पवन को विरासत में मिली है जल्लादी जी हाँ इनका पूरा परिवार जल्लाद परिवार कहलाता है पवन अपने परिवार की चौथी पीढ़ी है जो जल्लाद का काम करते हैं पवन निर्भया केस के चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी देकर दादा का तोड़ेंगे चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा पता चला है कि देश में इस परिवार को लोग जल्लादों के परिवार के रूप में पहचानते हैं 1950-60 के दशक में इस परिवार की पहली पीढ़ी के मुखिया लक्ष्मण देश में मुंसिफो कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता करार दिए गए मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने का काम करते थे इस पूरे मामले को लेकर पवन जो की निर्भया के कातिलों को मौत की सजा देगा यानी उन्हें फांसी पर चढ़ाएगा उसका कहना है मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ यह मेरे पुरखों का आशीर्वाद है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में एक बार में एक या फिर ज्यादा से ज्यादा दो मुजरिमों को फांसी के फंदे पर टांगा था जिंदगी की पहली फांसी में मैं एक साथ चार मुजरिमों को टांगने वाला हूँ इसके पहले भी पवन का यह बयान सामने आया था कि उसे फांसी के बदले पच्चीस हजार प्रति फांसी मिलेंगे और इस तरह से उसे एक लाख रुपए मिलेगा उस एक लाख रुपए से वह अपनी बेटी की हाथ पीले करेगा सब्सक्राइब एंड प्रेस आइकन फॉर मोर अपडेट्स